आप हमारी बातों को नहीं सुनोगे, इस दरवाजे को हम खोल देंगे, हम तोड़ देंगे, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आजाद। आज हमारे साथ जो धरना प्रदर्शन करके लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं कहाँ, प्रयागराज, दिल्ली टू प्रयागराज। तो हमारे साथ हैं बी एन प्रसाद जी, जो नैनी जोन के प्रभारी हैं। तो सर आप बताइए कि आप धरना प्रदर्शन में थे। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले मैं आपके शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारी बातों को आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये समस्त पूर्व सैनिकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। आज जंतर मंत्र पर 20 से 30 हज़ार पूर्व सैनिकों बलों के साथ हम अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए खचाखच संख्या में भरे थे। उस मंच से, यानी जंतर मंत्र के मंच से हम सरकार को ये आगाह किए कि हमारी संख्या बल इतनी है, इतनी ताकत है कि जंतर मंत्र क्या रामलीला मैदान भी भर जाएगा। और आपके दरवाजे पर हम खड़े हैं, आप हमारी बातों को आप सुनिए। आपके दरवाजे पर हम खड़े हैं, आपकी दरवाज़ा हम खटखटा रहे हैं। यदि आप हमारी बातों को नहीं सुनोगे, इस दरवाजे को हम खोल देंगे, हम तोड़ देंगे, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। पूर्व सैनिकों ने सरकार के, केंद्र सरकार की, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप सैनिक हैं और बोलते हैं कि धैर्य का परीक्षा मत लो। ये सरकार चाहती है, सरकार हमारी बातों के नहीं सुनेगी। वो चाहती है कि दिल्ली में अव्यवस्था फैले, चक्का जाम हो, स्कूल बसें न जाएं, पुलिस व्यवस्था ठप हो। यदि वो चाहती है हम उस पर भी उतारू होंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को पूरी करवाएंगे, क्योंकि हमारी मांग इतनी बड़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा आप एक कमेटी गठित करें, क्या सत्य और क्या सत्य है, क्या हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो आरोपी में आप उसकी पर्दाफाश करें और पूरी पब्लिक में इसको पर्दाफाश किया जाए। सरकार हमारी बातों पर नहीं सुनेगी, हम अपने हर स्तर पर इस बात को सुनवाई करने के लिए हम तैयार रहेंगे और मर मिटने के लिए हम तैयार रहेंगे। हमने देश सेवा की है और देश सेवा अभी भी सरकार के साथ हम कर रहे हैं, चाहे सरकार की स्वच्छता अभियान हो, चाहे पौधारोपण हो, चाहे गंगा सफाई हो। पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और मोदी सरकार का जन समर्थन और अपने पूर्व सैनिकों ने 100% सहयोग किया है। हम चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को बहुत जल्दी सुने, दोबारा हम लोगों को प्रयागराज से नई दिल्ली न आना पड़े। यदि इस बार हम आएंगे तो अपने मांगों को पूरा करवाकर ही हम यहाँ से वापस जाएंगे, लोटा डोरी राशन पानी के साथ दिल्ली में पधारेंगे और सैकड़ों हजारों की तादाद में प्रयागराज से आएंगे। जय हिंद जय भारत। ओके, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। जय हिंद।